तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CISF के ट्रेनिंग सेंटर और साथ में ITBP के ट्रेनिंग सेंटर के, जिनका सिलेक्शन CISF में होने वाला है वो कहाँ ट्रेनिंग करेंगी और जिनका सिलेक्शन ITBP में होने वाला है वो कहाँ सिलेक्शन करेंगे, कहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों। तो अभी हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की जो मेन साइड है उस पर आ रखे हैं। इन पर इनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उनकी लिस्ट दी हुई होती है, इनका पूरा आपको एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्रोल रूम नंबर सभी मिल जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो इनमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। तो जितने भी दोस्त CISF में लगने वाले हैं उनको बता दूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ कहाँ पर होगी। साथ ही दोस्तों जो भी नए लड़के तैयारी करने वाले हैं, मैं तो रीजनिंग की, तो मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है फौजी मैथ अकेडमी उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देता हूँ। तो मैं तो रीजनिंग की मैं उधर क्लास शुरू करने वाला हूँ दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि जिनकी भी इच्छा हो मैं तो रीजनिंग पढ़ने की मेरे साथ, तो वो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब दोस्तों बता दूँ कि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं इन सभी में जवानों की ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई SI की ट्रेनिंग होती है, कहीं गजेटेड ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि आपकी ट्रेनिंग कहां पर होने वाली है, तो निशा हैदराबाद IG, यहां पर जहां पर IG बैठते हैं दोस्तों। ये देखो यहां पर IG बैठते हैं निशा हैदराबाद। यहां पर दोस्तों कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग नहीं होती, यहां होती है SI की, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है। यहाँ का कंट्रोल रूम ये नंबर रहा, यहाँ की जो ईमेल आईडी है वो ये रही दोस्तों। तो जिनकी SI का सिलेक्शन होता है उनकी यहाँ पर निशा हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा फर्स्ट हैदराबाद जहाँ DIG बैठता है यहाँ पर कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग होती है, जो सेकेंड नंबर पर आप देख रहे हो फर्स्ट हैदराबाद, यहाँ DIG रैंक ऑफिसर अब बैठता है। इनके कंट्रोल रूम नंबर और मोबाइल नंबर ये आपको यहाँ दिख ही जाएंगे दोस्तों। तो जब आपके ट्रेनिंग सेंटर आए तब आपको इन जगहों को ढूंढने के लिए आसानी रहेगी, इसलिए आपको ये पहले से बता दिए जा रहे हैं दोस्तों। ये इनकी जो ईमेल आईडी वो भी, इसके अलावा RTC अरकॉम, यहाँ पर DIG बैठते हैं दोस्तों। तीसरा यहाँ पर जो SSGDC जो जवान लगते हैं उन सभी की ट्रेनिंग होती है। RTC अरकॉम ये कहाँ पर है ये मैं आपको बाद में आगे वीडियो में बताऊँगा कि ये कहाँ पर है। चौथा है RTC बरोहा, यहाँ पर भी CISF के जवानों की ट्रेनिंग होती है, जो कॉन्स्टेबल GD से लगते हैं उन सभी की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इनके कंट्रोल रूम नंबर आपको पता ही है, ये आप ज़रूर नोट कर लेना दोस्तों, ये आपके आगे जाके बहुत काम में आने वाले हैं, क्योंकि जब आपके ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब आपको ट्रेनिंग सेंटर या ग्रुप सेंटर के पता नहीं होगी, तो इनसे आपकी मदद मिल सकती है। यहाँ पर आप ट्रेनिंग शेड्यूल या ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। RTC बेचोर, यहाँ पर भी DIG रैंक बैठते हैं, और ये इनके कंट्रोल रूम नंबर ऑफिस के जो नंबर है वो है, कंट्रोल रूम नंबर है। और यहाँ पर आप वही बात जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर कोई भी जानकारी ले सकते हो दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में कि आपकी मतलब ट्रेनिंग से संबंधित, या यहाँ पर कितना बैच अभी कोई ट्रेनिंग कर रहा नहीं कर रहा, कितने बैच चलेंगे, जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर जाए उसके बाद में दोस्तों। RTC भिलाई, यहाँ पर भी कॉन्स्टेबल GD जो SSGD के द्वारा जिनकी ट्रेनिंग सेलेक्शन होता है उनकी भिलाई में भी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। RTC देओली, यहाँ पर भी ये इसके कंट्रोल रूम नंबर है, और DIG रैंक यहाँ पर अप रैंक बैठते हैं, यहाँ पर भी कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग होती है दोस्तों। जो CISF में जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो इन्हीं किसी ट्रेनिंग सेंटर में से ट्रेनिंग करने वाले हैं। इसके अलावा RTC पैरादीप मंडाली में, तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग होगी दोस्तों। तो ये मेन 8 में से 7 जहाँ पर कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग होती है, और एक जहाँ पर SI की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, तो ये दिए हुए हैं। इनके अलावा ये जो बाकी 7 हैं इनमें ट्रेनिंग होती है किसकी, इन बाकी ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग होती है कॉन्स्टेबल GD की। इसके अलावा एक डॉग ट्रेनिंग रांची में, तो ये तो डॉग स्क्वाड की जब बाद में ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जाके ट्रेनिंग होने वाली है, तो जितने भी मेरे भाई जो CISF की ट्रेनिंग या ज्वाइन करने वाले हैं उनकी इन्हीं में से कहीं ट्रेनिंग होने वाली है। हैदराबाद वाली का तो आपको पता ही चल गया होगा, भिलाई वाली का भी आपको पता चल गया होगा, लेकिन बाकी जो
आरटीसी भिलाई है, इसका पता चल गया होगा। अब जिन जिन का आपको पता नहीं चला, आप गूगल भी कर सकते हो कि ये कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है। बाकी इन्हीं सेंटरों में से आपकी ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों। इनकी जो कंट्रोल रूम है, जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर के कंट्रोल रूम से आप वहाँ पर होने वाली, मतलब कोई भी आपका काम है ट्रेनिंग सेंटर से, या कुछ भी आप जानना चाहते हो ट्रेनिंग सेंटर से, तो आप ये कॉल करके पूछ सकते हो दोस्तों। तो ये नंबर है, ये CISF की जो एक ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर इनके नंबर है। तो ये फिक्स नंबर होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, हमेशा चालू रहते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ये चालू है या नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो जो ये नंबर है, ये हमेशा फिक्स होते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों CITBP के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन सी जगह उनकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। तो चलिए ITBP की वेबसाइट पे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको CISF के बारे में बताऊँगा, ITBP के जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो ट्रेनिंग ITBP के, वो कहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ITBPF, मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो कहाँ कहाँ पर है। जिन लड़कों का ITBP में सिलेक्शन होने वाला है, या जो ITBP में जाने वाले हैं, जिनकी फर्स्ट चॉइस ITBP है, या ITBP में उनका नंबर आने वाला, तो वो उनका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होगा। तो देखिए, जो ट्रेनिंग सेंटर की जो लिस्ट है, इसमें देखो पहला है परपोज और ट्रेनिंग सेंटर, देहरादून में है, लेकिन ये गजेटेड ऑफिसर के लिए, फॉर द बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग ऑफ द गजेटेड ऑफिसर। तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग ऑफ अदर रैंक्स, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, मतलब कि CTGD की ट्रेनिंग होती है। तो ये कहाँ पर है, पंचकुला हरियाणा में ITBP का एक ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। टू ट्रेन जवान एंड ऑफिसर ITBP इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरियर, ये आपके लिए नहीं है, ये बाद में जब आप ITBP में सिलेक्शन हो जाओ उसके बाद में आपके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा अगर हम आगे चलेंगे, या फिर ऑफिसर के लिए, ये जहाँ पे कम्बोली में है उत्तराखंड में, ये भी ऑफिसर के लिए है, ये आपके लिए नहीं, ये अदर एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि बाद में पता चलेगा कि जब एक बार आप ज्वाइन कर लोगे ITBP, उसके बाद में ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तब रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग फॉर अदर रैंक्स, जो अदर रैंक्स वाला लिखा है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। यह है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर अरुणाचल प्रदेश, ये अदर रैंक्स का। फिर एक और, यह है केरला में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, करेरा सेंटर ITBP के लिए शिवपुरी मध्य प्रदेश में, ये ITBP का सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा तमिलनाडु, यहाँ पर भी ITBP की जो है पदमातुर में, शिवंगई डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु, यहाँ पे भी ITBP की ट्रेनिंग होती है दोस्तों। इसके अलावा बाकी ऑफिसर रैंक, या जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद, जैसे एनिमल कोर्स होता है, या डॉग स्क्वाड का जो कोर्स होता है, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, वेपन एडवांस ट्रेनिंग, सब ऑर्डिनेट ट्रेनिंग, फॉर एडवांस ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, इनकी ट्रेनिंग, जो मोटर मैकेनिक है, इनमें कोई है तो इनकी ट्रेनिंग होती है उत्तराखंड में दोस्तों। तो यहाँ इन जगहों पर होती है ITBP की ट्रेनिंग दोस्तों। इनका CISF में सिलेक्शन होने वाला है, उनकी बता दिए। तो दोस्तों यही होगी आपकी ट्रेनिंग।